भी क्वालिटी आप बताइएगा। टाइम वेस्ट किया और भी चीज़ें देखते हैं। सो गाइस, ये है हमारा एक्शन कैमरा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू गाइस। कैसे आप सब लोग गाइस? होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ गाइस। तो गाइस, आज हम लोगों ने न्यू एक्शन कैमरा बाय कर लिया है, जो कि है फिट्सपा का ईगल i9 4K एक्शन कैमरा। डुअल कैमरा है, डुअल स्क्रीन वाला कैमरा। तो ये बाकी आपको लग रहा होगा कि पुराना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी एक्चुअली आया था। तो ये मैंने ओपन करके चेक कर किया था इसको, इस वजह से इसको ये ओपन बॉक्स है, नहीं तो बिल्कुल सील पैक आया था। तो बाकी आज जिसका मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या फंक्शन आते हैं इसमें, अभी वो मैं सब मैं आपको दिखा। ये देखिए गाइस, इसमें ये है, ये थोड़ा सा फट गया है एक्चुअली, ये थोड़ा इधर उधर टैगर ने कर लिया था तो बस। और ये है बाकी, इसमें 4K सपोर्ट है, 20 मेगापिक्सल का लेंस है इसमें, और EIS प्लस एक्सेस गायरो सपोर्ट है, और विंड नॉइस रिडक्शन का भी ऑप्शन है इसमें। 170 डिग्री एंगल का इसमें वाइड एंगल भी है, एक्सटर्नल माइक अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें रिमोट कंट्रोल भी है साथ में। और साथ में ये इसके फीचर स्पेसिफिकेशंस दे रखे, रेजोल्यूशन वगैरह दे रखे इसके अंदर, ये वीडियो कितनी क्वालिटी में बनेगी, वीडियो 4K 30 FPS पे है, 2.7K 60, ये सारी इसकी है रेजोल्यूशन। और फोटो भी 20 मेगापिक्सल, 16, 12 और 8 मेगापिक्सल, और ये सारे इसके फंक्शंस है। आप चाहे तो इसको स्टॉप करके देख सकते हैं फंक्शंस के क्या क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए और भी चीज़ें देखते हैं। और ये इसका ऐप के लिए QR कोड है, मैं आपको ऐप का भी दिखाऊंगा, इससे ऐप से कैसे सेटिंग करते हैं इसकी। सो गाइस, ये है हमारा एक्शन कैमरा, कुछ ऐसा दिखता है ये डुअल स्क्रीन का। ये वाटरप्रूफ केस के साथ आता है, और बाकी ये जो इस पर निकल रखी है, निकल रही है बार बार, इसको निकाल के ख़त्म करते एक बार ही में, ये काफ़ी टाइम से निकल रही थी ये वाटरप्रूफ केस की। तो ये बाकी इसका केस वेस है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इसको पूरा। ये देखिए गाइस, पूरा ब्रांड न्यू है, पूरी पन्नी वन्नी लेंस पे भी पूरी पन्नी वन्नी चढ़ी हुई है इसके, रियर 4K डुअल स्क्रीन है। इसमें आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये मोड का है ऑप्शन, ये ओके का है, इससे ऑन ऑफ होता है, और ये इसे वीडियो अपनी स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। और ये ऊपर नीचे का बटन है इसमें, क्योंकि टच स्क्रीन सपोर्ट नहीं है इसमें। और ये इंटरनल माइक है इसका, और बाकी ये है माइक्रो SD कार्ड का इनपुट है, ये आउटपुट सॉरी। और ये चार्जिंग के लिए HDMI पोर्ट है इसमें, और इसमें ये ऑडियो जैक भी है, जो कि इसमें 2.5 mm का जैक लगता है, 3.5 mm का जैक नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा लेने से पहले गाइस। और बाकी इसमें ये है बैटरी का। एंड गाइस, ये है फिट्सपा की, इसकी 1350 mAh की बैटरी है, ये सिंगल बैटरी इसके साथ प्रोवाइड होती है, डबल नहीं होती। और बाकी ये इसके साथ ये यूज़र मैनुअल प्रोवाइड की जाती है, और ये गाइड वगैरह होती है, और ये है साथ में इसके साथ में बॉक्स। तो गाइस, इस बॉक्स में ये चीज़ें अवेलेबल होती है, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ये चीज़ पता नहीं क्या अवेलेबल है। साथ में इसके वॉच अवेलेबल है, जिससे हम घड़ी को रोक सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, फ़ोटो मोड वगैरह पर कर सकते हैं। और बाकी ये सारे माउंट्स वगैरह इसके साथ में मिलते हैं, जो जो इसके साथ में लगते हैं। ये बाकी स्टिकर्स वगैरह है इसके, और ये बाकी इसका रैप करने के लिए, ये बाकी USB डाटा केबल मिलती है इसके साथ चार्ज करने के लिए, और बाकी माउंट्स वगैरह चीज़ें हैं। बाकी आपको जल्दी से जल्दी हम लोग कैमरे की स्पेसिफिकेशन दिखाते हैं। तो गाइस, ये इसको M से स्टार्ट करना है, प्रेस करके रखना है, इसको स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए गाइस, और इसको अगर आप डाउन बटन दबाते हैं तो ये फ्रंट स्क्रीन प्रोवाइड हो जाएगी ऐसे। किसी को मोटो व्लॉगिंग, वो व्लॉगिंग करनी होती है किसी को, तो सामने ऐसे करके कर सकते हैं, क्योंकि किसी को काफ़ी दिक्कत होती है कि पीछे कैमरे के पीछे कैसा दिख रहा होगा, तो ये उस हिसाब से। और बाकी आप देख सकते हैं कि इसकी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो M पे ही जाना है, M पे ये फ़ोटो मोड पे आ गया, और ये सेटिंग्स आ गई, जिसमें ये है
वीडियो प्लेबैक वगैरह के ऑप्शन है। ये वीडियो प्लेबैक, इसमें जो भी वीडियो आप रिकॉर्ड करेंगे उसमें सारी सेव होगी। ये फ़ोटो जो भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेव होगी। ये वीडियोस की सेटिंग है, ये देखिए, ये वीडियोस रेजोल्यूशंस है। ओके, ये ईवी ऑप्शन है, ये EIS का ऑप्शन है, इसमें ये भी ऑफ कर रखा है। और ये लूप वीडियो का ऑप्शन है, ऑफ है अभी। और ये टाइम लैप्स वीडियो है, और ये स्लो मोशन वाले ऑप्शन, और ये TL ड्यूरेशन वाले, ये उसकी वजह से ऑफ है क्योंकि मैंने अभी इसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी हाई कर रखी है, इस वजह से वो ऑफ है। अगर मैं इसको लो रेजोल्यूशन कर दूंगा तो स्लो मोशन और TL ड्यूरेशन वाले भी ऑन हो जाएंगे ऑप्शंस। ये विंडोज रिडक्शन का भी इसमें ऑप्शन है जिसमें अभी ऑन कर रखा है मैंने। ये ऑटो लाइट का ऑप्शन है, ऑटो लो लाइट वगैरह अपने हिसाब से, ये अपने एटमोसफेयर के हिसाब से लाइट को के कलर को एडजस्ट कर लेता है। डेट वगैरह के स्टैम्प्स हैं, और इसमें देखिए तो ये आ गई फ़ोटोज़ की सेटिंग आ गई, ये फ़ोटोज़ के रेजोल्यूशंस आ गए 20, 16, 12, 8 मेगापिक्सल। ये लॉन्ग एक्सपोजर का ऑप्शन है, ISO का है, और EV का इसमें भी है, और टाइम लैप्स वीडियो इसमें भी है, TL ड्यूरेशन है, बस फोटो है, सेल्फ टाइमर है, और डेंस टाइम। ये फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, और साथ में इसकी सेटिंग्स में जाके देखें तो सेटिंग में फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, साउंड मिल जाती है, AE मीटर मिल जाता है, AWB इफेक्ट्स मिल जाते हैं, LDC मिल जाती है, डेट एंड टाइम, स्क्रीन सेवर्स भी मिल जाते हैं इसमें, एंड अपसाइड डाउन भी हो जाता है, पावर ऑफ ऑप्शन है, वाईफाई अवेलेबल है इसमें भी। आपको मैं सारा सेट करके दिखाऊंगा मोबाइल से कैसे करते हैं, कौन सा ऐप है। रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन भी है इसमें, ड्राइविंग मोड है, लैंग्वेज फॉर्मेट रीसेट वगैरह, तो बाकी सब नॉर्मल है, वर्जन है, मेमोरी कार्ड है, ये सब इसमें फीचर्स है गाइस। और मेन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें जो मेमोरी कार्ड लगता है वो क्लास 10 का लगता है, SanDisk का। अभी मैं आपको मेमोरी कार्ड भी दिखाता हूँ इसका, ये देखिए गाइस, SanDisk का है, 64GB का, क्लास 10 का है। ये जो आप 10 देख पा रहे हैं सर्कल में, ये क्लास 10 है, A1 के साइड में। तो जब भी आप अगर लेंगे कोई मेमोरी कार्ड इसके लिए तो हमेशा क्लास 10 लीजिएगा। इससे ये है कि आपकी वीडियो कभी लैग नहीं करेगी बनने में, ये इसका ये प्लस पॉइंट होता है। इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है क्लास 10 वाली मेमोरी कार्ड का। और ये देखिए गाइस, अगर आप इसका अपसाइड बटन आप प्रेस करके रखेंगे तो ये वाईफाई ऑन हो जाएगा इसका। और ये देखिए, वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन, इसमें इसका नाम आ गया आई स्मार्ट DV66477A, और इसका जो पासवर्ड है ये भी आ गया, और फटाफट इसको कनेक्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, अगर आप वो QR कोड स्कैन करेंगे जो कि बॉक्स पे है तो ये iSmart DV करके नाम आएगा। इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा था, इसको मैं सीधा भी ओपन करता हूँ। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इसका वाईफाई ऑन है तो हमें अपने वाईफाई से इसको हटाना पड़ेगा। अभी ये जैसे मेरा वाईफाई भी कनेक्ट है, इसको ऑन ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा, तो iSmart DV करके कनेक्शन आ जाएगा इसमें भी दोबारा से। अभी आया नहीं है एक्चुअली, वाईफाई दोबारा ऑफ हो चुका है, तो इसको दोबारा ऑन करते हैं। ये देखिए गाइस, iSmart DV करके आ गया, ये इसको कनेक्ट करना है। अब कनेक्टेड आ गया, नो डाटा कनेक्शन। अब हमें क्या करना है, ऐप पर जाना है अपने, ये ऐप पर आ गए, अभी डिसकनेक्ट लिखा हुआ है, इसी को कनेक्ट करते हैं। अभी लोकेशन ऑन कर दी अपने, कनेक्टेड लिखा आ गया। ये ऐसे ही आपको नाम से आ जाएगा, आपको सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये नाम से आ जाएगा। अब देखिए, जैसे कि इसको अब मैं कैमरे को जहाँ भी मूव करूँगा, ये मैं मेरी तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये यहाँ दिखा रहा है। अब हमें रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है तो हम कर सकते हैं ऐसे, इसी में ऑप्शन दे रखा है कि रिकॉर्डिंग ऑन करके इसी में सेव हो जाएगी। और बाकी इसकी जो क्लैरिटी है, बाकी मैं अभी उसके आपको डाल के दे देता हूँ।
तो गाइज ये 2.7K और 60 FPS से शूट हो रहा है इसका, और क्लैरिटी आप चेक कीजिए, बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को तो ऐसे क्वालिटी मेरे को तो का। और बाकी जो आपको डल डल थोड़ा लग रहा है ये एक्चुअली एटमोसफियर का है, ये थोड़ा अब शाम का टाइम हो गया इस वजह से थोड़ा कलर आपको ऐसा दिख रहा होगा। एंड भाई लोग दिस इज़ फाइनल 4K 30 FPS, और इसकी क्वालिटी आप चेक कीजिए, सबसे हाई है ये, इसकी भी क्वालिटी आप बताइएगा। गाइज बस आज के वीडियो में बस इतना ही, आपको अगर कैमरा अच्छा लगा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी मेरे को तो सही लगा, आज के बाद मैं इससे ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगा, मोटो ब्लॉगिंग वगैरह सब इससे ही चलेगी मेरी अब। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू गाइज़।